प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। प्रॉब्लम्स तो है सब के साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जेठा जी, बहुत खूबसूरत जगह है। आपको पसंद आया? तो सबसे पहले थैंक यू बबीता जी, पसंद जो कच्चा है। अरे मुझे मातृभूमि के सौ सौ सलाम। हां बाबूजी, क्या बात है जेठा बड़ा, मजा आ गया। नीम का पेड़ चंदन से कम नहीं और हमारा कच्छ लंदन से कम नहीं। ओए जेठा ब्रा, ओ दिल कच्छ कच्छ हो गया। अरे सोनू भाई, ये तो कुछ नहीं, अभी आप सफेद रन देखेंगे ना तो आपका दिल सफेद सफेद हो जाएगा। चिंता मत कर, बाल सफेद नहीं होंगे। जेठा ब्रा, पूरा देखा कि नहीं ये लाइन में कैसे सब तंबू लगाए हैं? हाँ दादाजी, मस्त है। कौन सा गांव है? अरे बेटा टपुड़ा, ये गांव नहीं है। टूरिज्म वाले हर साल रणोत्सव में ऐसे तंबू लगा के गांव जैसा माहौल खड़ा करते हैं। तुझे पता है ये रणोत्सव का आनंद उठाने के लिए कितने सारे लोग यहाँ आते हैं? अरे विदेश से भी लोग आते हैं। संजो कच्चा है। अरे टप्पू के पापा, आप यहाँ खड़े खड़े कच्छ की तारीफ ही करते रहेंगे कि कच्छ दिखाओगे भी? अरे अभी पता ना कितना घूमना है हमें, ऐसा पूरा माता जी के मोड में जाना है, सफेद कच्छ का रण देखना है हमें। अरे भाई, अभी तू यहाँ खड़े खड़े सब बोलती रहेगी कि चलेगी भी? हाँ, क्या बढ़िया जगह है। सेठ जी, अरे भगा, इतना सारा सामान तू अकेला कहाँ उठा रहा है? ला मैं तेरी थोड़ी मदद कर दूँ। ला। थैंक यू सेठ जी। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट, वो रहने दीजिए, ये भी रहने दीजिए, ये ले लीजिए। अच्छा। एक मिनट, ये भी ले लीजिए सेठ जी। तो अभी तो क्या वर्राजे की तरह हाथ हिलाता आएगा? मेरे हाथ कहाँ हिलते ही हैं सेठ जी। नहीं मतलब आप ये सब सामान लेकर जाइए, बस में और भी सामान है ना, मैं वो लेकर आता हूँ। ना सारा सामान। वाह, कितनी बढ़िया जगह है।
भागा। अरे बस बस सेठ जी, ये मैं ले लूंगा। ए, ये तो मैं ले लूंगा वाड़ी, तू तो बोल रहा था बस में और भी सामान है, तो और सामान में बस एक ही बैग निकला है। सेठ जी कमाल है, और भी सामान में ये एक ही बैग निकला। दया। हाँ टप्पू के पापा। हाँ अंदर है। अरे मैं यहाँ हूँ। यहाँ कहाँ? अरे सफेद तम्बू है ना, उसमें हूँ। बस 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 रुक जाइए। अरे दया, ये क्या मेरी आंखें क्यों बंद की? बस ऐसे ही। आप आइए तो सही। जमने। हाँ। अभी आगे बढ़िए। अभी आपके सामने कपड़े का दरवाजा है। हा? उसको हटाइए। अच्छा। अरे भाई एक तो आंख बंद है, जल्दी जल्दी क्या कर रही है तू? बस खड़े रहिए। अब देखिए देखिए। अरे वाह, तंबू के अंदर मस्त है सब है। खिड़की भी है इधर। वाह वाह वाह। अरे टप्पू के पापा ये तो कुछ नहीं, वो बाथरूम में जाके देखिए। तंबू में बाथरूम भी है? चाहिए जल्दी। अरे क्या है ये सब? दया ये तो मानो जैसे होटल का कमरा है। बाहर से बिल्कुल लगता ही नहीं है कि तंबू के अंदर इतनी सारी सुविधाएं होगी। बिल्कुल नहीं लगता। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चाबी दीजिए। कैसी चाबी? अरे ये बैग की चाबी। बैग की चाबी मेरे पास नहीं है। तंबू के पापा घर से निकलते वक्त चाबी मैंने आपको दी थी। मुझे मुझे कभी दी थी? मेरे पास चाबी नहीं है दया। देखो मत्ते जी, अब क्या होगा? क्यों क्या हुआ? अरे बापूजी के सारे गर्म कपड़े इस बैग में हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत ठंड है। ताला तोड़ देते। नहीं, ताला तोड़ने की जरूरत नहीं है। रुकिए अब तो। ये इस तरह ताला तोड़ना कहाँ से सीखा तूने? सुंदर वीरा से। मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, ऐसा तो सुंदर वीरा ही सिखा सकता है ना। तो अच्छा है ना, जरूरत के वक्त काम आ गई ना ये विद्या। विद्या? चलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। चलिए। ये जयडाला भी कमाल करता है, इतने सारे हार पहनाकर कोई स्वागत करता है क्या? अय्यर तुम्हारा स्वागत ना करूं तो प्रॉब्लम है, करूं तो भी प्रॉब्लम है। तुम भी ना। अरे बबीता, मेरा गॉगल्स तुम्हारे पास में है? देखती हूँ। अय्यर। हाँ दो। अय्यर तुम्हें बार बार मिस्टर इंडिया की तरह कहाँ गायब हो रहे हो? मैं गायब हो रहा हूँ? नहीं तो मैं जब भी पीछे मुड़ के देखूँ तुम होते ही नहीं हो। अरे वो क्या है, मेरा कॉइन नीचे गिर गया था। अब हो सकता है जब मैं कॉइन उड़ाने के लिए नीचे झुका हूँ तब तुमने पलट के देखा हो और मैं नहीं दिखा हूँ। पानी भी ठंडा है और ठंड भी बहुत है। तो मैं नहाने जाती हूँ। ओहो हो, कहाँ जा रही हो?
जेठा ब्रा छोटे क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे आजा आजा भाई, आजा बिंदास। एकदम फ्रेश। और तू नहा लिया? ओ बिल्कुल नहा लिया, और बच्चों को भी नहा दिया। अरे वाह वाह वाह। और जेठा ब्रा याद है ना, और बॉर्डर पे जाना है, मेरा दोस्त जो BSF में है उससे मिलने। हाँ जरूर याद है, जरूर जाएंगे हम लोग। अरे यहाँ तक आए तो वहाँ नहीं जाएंगे। चलो चंगा दिया भाभी जी। दया बेटा हल गई। वैसे पोपटलाल, उस लड़की का क्या हुआ जो तुम्हें हर रोज स्माइल दे रही है ऑफिस में? हाँ, जिसके लिए तुमने कच्छ जाने का रिस्क नहीं लिया? अरे भाई भिड़े देती है ना, अब तो पूरा दिन स्माइल देती है किसी और को। क्या मेहता साहब आप भी। अरे वो सब छोड़िए, ये बताइए कि हमारे वो कच्छ के मित्रों के साथ किसी की फोन पे बात हुई कि नहीं? हाँ मेरी बात हुई थी ना गोली से। अच्छा, वो लोग बहुत मस्ती कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं, और तो और तरह तरह की डिशेज भी बहुत खा रहे हैं। बेटा जो आपका है। अरे भाई तो मेहता साहब फिर अपने परम मित्र को तुरंत फोन कीजिए, हम सब यहाँ खड़े हैं तो उनसे बात कर लेते हैं। नहीं अरे हाँ, क्यों नहीं देखिए और पूछ। यार लगता है जल्दबाजी में फोन घर भूल के आ गया। पोपटा लगाओ ना फोन। हाँ अभी करते हैं। हाँ भिड़े लगाओ फोन, तुम लगाओ ना। घबराओ नहीं पोपटलाल, तुम्हें एसटीडी का चार्ज नहीं लगेगा, वो तो जेठालाल को लगेगा। अरे भाई भिड़े कैसी बात करते हो भाई, एसटीडी की बात ही नहीं है। वो क्या है ना कि आज मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ऐ मारू से तू पोपटलाल, देखो हमेशा इमरजेंसी के तौर पर मोबाइल में कम से कम 3-4 रुपए का बैलेंस होना जरूरी होता है। लगा। हेलो बोला भिड़े भाव, बोला। अरे हम लोग सब सोडा शॉप पे जमा हुए थे तो सोचा तुम्हें फोन करे। ओहो क्या बात है, पूरी मंडली जमा है उधर। अभी हम लोग सब यहाँ पे है तो मैं स्पीकर फोन पे फोन रखता हूँ, सब बात करेंगे। हाँ भाई क्या हाल है भाई? अरे भाई कैसे मजे में हो सकता हूँ, आप सबका बहुत याद कर रहा हूँ। आप सब यहाँ होते तो बहुत मजा आता। और जेठालाल आज कच्छ में क्या क्या देखा? तंबू। अरे भाई आज तो अभी आए हैं, आज पूरा दिन तंबू में खाली आराम किया। अरे भाई आज तो आराम हो गया, कल का क्या प्रोग्राम है? कल मेहता साहब सुबह सफेद रण में सूर्योदय देखने का प्रोग्राम है। आप लोगों का क्या प्रोग्राम है? जेठालाल हम सभी का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का कल एक ही प्रोग्राम है। कल 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, तो कल गोकुलधाम में ध्वजवंदन होगा। बोलो हमारे ख्याल कितने मिलते जुलते हैं भाई? सफेद रण में हम लोग झंडा वंदन करने वाले। क्या बात है, अरे वाह। वैसे वहाँ पे ठंडी कैसी है? ठंड की तो बात ही मत करो भाई, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक जब्बर ठंडी है। अभी भी देखो हाथ मोजा ओ कान टोपी वो सब पहन के मैं इधर बाहर खड़ा हूँ तंबू के बाहर, और तंबू में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो ठंड में ऐसा कांपते बात कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। हाँ भाई तो जेठालाल कल तुम्हें जल्दी उठना है, इसलिए तुम अभी जल्दी सो जाओ, वरना कल तुम्हें बहाना मिल जाएगा ठंडी इसलिए उठा नहीं मैं। चांपली शिक्षक महोदय, मैं तुम्हारा विद्यार्थी नहीं हूँ, शिखामण मत दे। चल अभी फोन रख, सुबह जल्दी उठने हैं, सोना दे। चलो गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।
हाँ सुनो बेटा, क्या बात है पिंकू अब्दुल भाई, क्या सजाया तुम लोगों ने। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। मेहता साहब, पोपटलाल, ये पहला ऐसा 26 जनवरी होगा जहाँ पे पूरे गोकुलधामवासी मौजूद नहीं है। बहुत याद आ रही है उनकी। नहीं भाई, मिस तो कर रहे हैं उन्हें, लेकिन हमारे गोकुलधाम निवासी सच्चे हिंदुस्तानी हैं। वो कच्छ में भी गणतंत्र दिवस इसी उत्साह के साथ मना रहे होंगे। लेकिन एक बात है दोस्तों, हमारे इस राष्ट्र ध्वज को देखकर दिल में अलग तरह का जोश और जज्बा आ ही जाता है। नहीं? बिल्कुल ठीक कहा पोपटलाल। अरे भाई क्यों ना आया ये जोश और जज्बा। आप देखो, 26 जनवरी 1950 से 2012 हम लोग दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत लोकतंत्र हैं। क्यों ना हो गौरव। दादाजी आज आप बहुत खुश लग रहे हो। हाँ तो आज 26 जनवरी है। हाँ, हमारा प्रजातंत्र दिन, गणतंत्र दिवस। और इस गणतंत्र दिवस पे हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश की सुख शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहे है? और हम सब भारतीय अपने भारत देश से और भी ज्यादा प्रेम करते रहे। और हमारा तिरंगा ऐसे ही लहराता रहे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ईश्वर करे ये नारा पूरे विश्व में शान के साथ गूंजता रहे। मित्रों, हमारा गणतंत्र दिवस है आज, और गणतंत्र दिवस के दिन मैं तमाम देशवासियों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सफेद रण में लहराता हुआ तिरंगा अद्भुत नजारा, अद्भुत दृश्य, और तिरंगे के प्रति हमारे दिल और हमारी आंखों में उत्साह और उमंग और गौरव का भाव। हमारा तिरंगा हम बड़ी शान के साथ लहराते हैं। लेकिन मित्रों, हमें स्मरण करना चाहिए उन हजारों लाखों शहीदों का, क्रांतिकारियों का, जिनके जीवन दान की वजह से हमें ये आजादी मिली। हमें भूलना नहीं चाहिए उनका बलिदान। उन्होंने एक अद्भुत भारत का स्वप्न देखा था। आइए आज हम वादा करें कि हम एक रहेंगे और मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे कि जिस तरह हमें हमारे क्रांतिकारियों पर गर्व है, हमारी आने वाली पीढ़ी हम पर गर्व करेगी। जय हिंद का नारा सब जगह गूंजता रहेगा। मित्रों, हमने बड़ी शान के साथ तिरंगा लहराया कच्छ के रण में, लेकिन अभी कच्छ के रण में हमारे साथियों की बहुत मस्ती बाकी है। हमारे तमाम साथी कल जाएंगे आशापुरा माता के मठ में दर्शन करने के लिए। अभी मनोरंजन होगा हॉट एयर बलून में। और सोचिए, जब हमारे मित्र सोढ़ी बीएसएफ के कैंप में जाएंगे अपने मित्रों से मिलने, तब देखिए कि वहां क्या नजारा होगा। यानी कि अगले एपिसोड में आपके लिए नए नए नजारे हैं, नई नई मस्ती है, और हंसी वही आपके चेहरों पे जो हमेशा रहेगी। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और एक बार मेरे साथ फिर से कहिए जय हिंद। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.